कम से कम स्टडीज में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स लाने, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम आने के बाद देर रात तक जागते हैं और दूसरे दिन पेपर लिखने जाते हैं। तो इसकी वजह से ऐसे होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है। हमारी जब नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, दिन पढ़ाई काम करने के लिए होता है, रात सोने के लिए होती है। तो आप रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, या कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आप इतना रेस्ट आपके ब्रेन को, आपके बॉडी के पार्ट्स को दोगे तो आप एनर्जेटिक रहोगे। आप जितना एनर्जेटिक रहोगे, जितना आप काम माइंडेड रहोगे, उतना आपने जो भी पढ़ा है वो एब्जॉर्ब होते जाएगा और एग्ज़ाम के दिन बाहर आते जाएगा। तो इसके लिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड आप घर का खाना खाइए, अच्छे से सोइए और दूसरे दिन देखिए, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा।